चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे एक्सप्लेनर वाले पेज से। इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाती है, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में नए ज़िलों की घोषणा करी है कि हम इतने नए ज़िले और अभी बनाने वाले हैं। तो सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ऐसी मंशा है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की बात करी जाती है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। 13 नए ज़िले बनाए गए हैं तो इसका आखिर उद्देश्य है क्या। हाउ इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग टू एग्जीक्यूट दिस मेजर रिवैम्प। और जो एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, तो ये जो मेजर सुधार है किस प्रकार से लाने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन में। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट को विद द ऑब्जेक्टिव टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपुल्स डोर स्टेप। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रशासन है वो लोगों के घर घर तक कैसे करके पहुंच सकता है। यदि ज़िला बड़ा है, मान के चलिए ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर यदि केवल 4 ही ज़िले हैं, ठीक है, और यदि इसको आप 4 की जगह 8 कर दो, ठीक है, ये 4 है और आप 4 पार्ट कर दो, इसके 8 पार्ट यदि आपने इसके कर दिए हैं इसकी अपेक्षा, और दोनों को आप तुलना करके देख लीजिए। यदि ज़िला छोटा है तो उसका जो प्रशासन है, वहाँ का जो कलेक्टर है, वो बहुत अच्छे से एरिया को मैनेज कर पाएगा। और यदि वही ज़िला यदि बड़ा हो जाता है तो जो लास्ट वाला जो एरिया रहता है, बाउंड्री वाला एरिया ना, उसको कवर करना मुश्किल हो जाता और वो एरिया पिछड़ जाता है। इसलिए जो है नए ज़िले बनाए जाते हैं। द इंटेंशन वॉज टू मैच ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी विथ वन डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक लोकसभा की सीट एक ज़िला, कुल मिलाकर के ऐसा कुछ उनकी सोच है कि हम एक ज़िला से एक लोकसभा के मेंबर को खड़े करेंगे। द CM asserted दैट द न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी मैनेजेबल अनलाइक द ओल्ड वंस विद एन एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 19.07 लाख ईच कंपेयर टू एवरेज ऑफ 38.1 लाख। पहले एक ज़िला में कितनी संख्या रहती थी, 38 लाख थी, अब घट करके एक ज़िला में 19 लाख हो जाएगी। विद ए पॉपुलेशन ऑफ 4.9 करोड़ आंध्रा रिक्वायर्स मोर डिस्ट्रिक्ट। इनका कहना है कि 4.9 करोड़ है आंध्र प्रदेश की अभी जनसंख्या, तो इसीलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई थी कि ज़िलों की संख्या हमको बढ़ाना है। द आरकू ST कॉन्स्टिट्यूंसी विच हैज़ 2 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 2 ज़िला पड़ रहे थे, इज़ द ओनली एक्सेप्शन एज द वास्ट ट्राइबल पॉपुलेशन नीड टू बी प्रॉपरली एकोमोडेटेड। केवल एक तो ऐसा ज़िला है, ठीक है, केवल एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर 2 ज़िले रख रहे हैं हम, इज़ द ओनली एक्सेप्शन, केवल यही एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनको प्रॉपरली एकोमोडेट करने की ज़रूरत है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, नई जो घोषणा की गई है, अब ज़िलों की जो संख्या है वो 26 हो गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हैज़ 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, 25 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर। आगे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट वर लास्ट रीऑर्गेनाइज इन 1970 के दशक में इस प्रकार से ज़िलों को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था, वैन प्रकाशम एंड विजयनगरम केम इनटू एग्जिस्टेंस। उस टाइम में प्रकाशम और विजयनगरम एग्जिस्टेंस में आया था इन द यूनिफाइड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विच वॉज फॉर्म इन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर गवर्नमेंट ने न्यू ज़िलों को सेटअप क्यों करा। बताया जा रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन मिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने प्रॉमिस किया था कि हम क्रिएट करेंगे न्यू डिस्ट्रिक्ट इन ऑर्डर टू टेक द एडमिनिस्ट्रेशन टू द ग्रास रूट लेवल। इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार की जो पहुँच है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। द गवर्नमेंट हैड रिसीव्ड ओवर 17,500 रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द पीपुल, ठीक है, पीपुल की तरफ से भी कुछ रिप्रेजेंटेशन आए थे 17,500। इसके अलावा डिसाइड किया गया ऑन द न्यू डिस्ट्रिक्ट बाई टेकिंग देयर डिमांड इनटू अकाउंट, और डिमांड भी रखी गई थी लोगों की तरफ से।
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर इट इज़ टू टेक ए सब्सटेंशियल लीप इन एफोर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सबसे पहली बात यह रखा गया है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करना चाहते हैं। द न्यू डिस्ट्रिक्ट आर पार्वतीपुरम है, फिर मान्याम, एलूरी, सीतारामा, राजू। इसके अलावा अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, इलूरू, एनटीआर, पालनाडु। इसके अलावा है बापटला और है नंदयाल। इसके अलावा है अनामैया, तिरुपति एंड श्री सत्य साई। इतने ज़िलों के नए ज़िलों के नाम हैं, इनको हमें याद रखना हो सकता है, किसी को भी पूछ सकता है। इसके अलावा कलेक्टर्स एंड एसपीस इन ऑल द न्यू डिस्ट्रिक्ट एज्यूम चार्ज ऑन मंडे एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। कलेक्टर की भी पोस्टिंग हो चुकी है, एसपी की भी पोस्टिंग हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। हु विल द न्यू डिस्ट्रिक्ट सर्व, ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है एज फार एज द न्यू डिस्ट्रिक्ट आर कंसर्न मिस्टर जगनमोहन रेड्डी क्लेम्ड दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिमोट एंड बॉर्डर विलेजेस टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैज़ बीन रिड्यूस। मतलब कि कलेक्टर का हेडक्वार्टर यहाँ है और लास्ट एरिया में किसी व्यक्ति का जो घर था जिले की बाउंड्री में, तो वो जो एरिया है, वो जो दूरी है, वो घट करके कम हो गई बाउंड्री। ईच ऑफ द 26 डिस्ट्रिक्ट नाउ हैज़ 6 to 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। आंध्रा हैज़ 175 असेंबली सीट, ठीक है, यहाँ पर असेंबली सीट की बात करी जाती है 175 है। ईच ऑफ 26 डिस्ट्रिक्ट नाउ हैज़ 6 to 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। यदि असेंबली विधानसभा की हम बात कर लें तो एक ज़िला में, ठीक है, 26 ज़िले हो गए हैं, एक ज़िला में 6 से लेकर के 8 विधानसभा के सदस्य होने वाले हैं और टोटल यहाँ पर 175 सीटें हैं। आगे बताया जा रहा है कि हिज assertion इज दैट द न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी मैनेजेबल अनलाइक द ओल्ड वंस। पॉपुलेशन की संख्या भी, पॉपुलेशन भी यहाँ पर कम हो गई है। एक ज़िला में पहले 38 लाख आते थे तो वो घट करके 20 लाख हो गए, मतलब लगभग आधा। 2011 की यह जनसंख्या का रिकॉर्ड है। आगे बताया जा रहा है ही ड्रॉ ए कंपेरिजन विद तेलंगाना अमंग अदर स्टेट सेइंग इट हैज़ 33 डिस्ट्रिक्ट फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ नियरली 3.8 करोड़। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि हाउ विल द न्यू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। नया जो जिला बनाया जा रहा है वो आखिर काम कैसे करके करेगा। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांजिट एक्सपेंडेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू कलेक्टर। तो उनको क्या है ना, एकोमोडेशन प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे कलेक्टर हो। एंड एफर्ट्स आर अंडर वे टू बिल्ड इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स। और आपस में जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के क्या है कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करी जा रही, ताकि व्यक्ति को इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह में सारी चीज़ मिल जाएंगी, है ना। तो 15 एकड़ का एरिया रहेगा हर ज़िले का। द आइडिया इज़ टू हैव ऑल ऑफिसेस, यहाँ पर एग्जांपल पर है ऑफिस ऑफ द कलेक्टर, एसपी एंड हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट इन द वन प्लेस टू इंश्योर दैट द पीपल डू नॉट फेस एनी इनकन्वीनियंस। एक ही जगह सबको बिठा लो, एसपी को भी, कलेक्टर को भी, अदर डिपार्ट को भी, ऐसा यहाँ पर बात करी जाती है। फाइनल डिज़ाइन ऑफ द ऑफिस कॉम्प्लेक्स विल बी रेडी बाई द एंड ऑफ अप्रैल बाई विच टाइम टेंडर फॉर देयर कंस्ट्रक्शन विल बी इन्वाइटेड। बताया जा रहा है कब तक उनका जो बिल्डिंग है वो उसका काम पूरा हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है वाट हैपन टू थ्री कैपिटल प्लान। थ्री कैपिटल प्लान्स का क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर हैज़ आल्सो प्रपोज थ्री कैपिटल एज ए डिसेंट्रलाइज मूव ए फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज पार्टी स्वेप टू पावर। एक चीज़ और यहाँ पर बात करी जा रही है कि थ्री कैपिटल बनाने की हम बात कर रहे हैं, कभी हम यहाँ से, कभी हम वहाँ से, कभी वहाँ से, ठीक है, अलग अलग जगह। यदि चीफ मिनिस्टर बैठता है ये तीन अलग अलग जगह में, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एरिया का विकास अच्छे से हो पाएगा, इसीलिए थ्री कैपिटल की बात यहाँ पर करी जाती है।
बट आफ्टर फेसिंग मैसिव प्रोटेस्ट, लेकिन क्या है, लोगों का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। द गवर्नमेंट स्क्रैप द एपी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट 2020, लेकिन इसको क्या है फिर ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इसके अलावा एपी कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 3 कैपिटल, अमरावती ये लेजिस्लेटिव रहती, विशाखापट्टनम ये एग्जीक्यूटिव रहती, और जो कुरनूल थी वो जुडिशियल कैपिटल रहती। मिस्टर जगनमोहन रेड्डी हैज़ प्रोमिस्ड टू इंट्रोड्यूस ए मोर कॉम्प्रहेंसिव बिल, इससे भी बढ़िया बिल हम लाएंगे, ऐसा वाई एस जगनमोहन रेड्डी का कहना है। तो ये पहली वाली जो एक्सप्लेनर वाले पेज की न्यूज़ है हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं और भी महत्वपूर्ण खबरें और कौन कौन सी। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें इंडिया अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा कर रहा है। इंडिया ने ऑफ़र किया है कि हम रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने में मदद करेंगे। रसिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है। इंडिया विल बी ग्लैड टू हेल्प इन द ब्रिंगिंग अबाउट ए रेजोल्यूशन फॉर क्राइसिस इन यूक्रेन, ऐसा कहना है जयशंकर का वेडनेसडे के दिन। स्पीकिंग इन द लोकसभा ड्यूरिंग द डिस्कशन अंडर रूल 193 रिगार्डिंग द क्राइसिस इन यूक्रेन एंड इट्स इम्प्लीकेशन, सरकार ने बहुत देर लगा दी है ये स्टेटमेंट कहने में, खाली एक बार कही देते भली करते नहीं। ठीक है, आज युद्ध देखो कितने एक महीने हो गए, अब जाके इंडिया कह रहा है कि हम जो है आगे आएंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि सपोर्ट फ्रॉम रसिया यूक्रेन एंड इवन इंडियन नेशनलाइज बेस्ड इन ईस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन, गंगा ऑपरेशन चलाए थे हमने, ठीक, सब लोगों ने बढ़िया सपोर्ट किए थे, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया था। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाती है हमारे ट्रेड रिलेशन को हम कैसे करके सुधार सकते हैं और उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारा आज का जो एफर्ट है वो ये है कि हम इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इंडिया और रसिया के बीच में उसको हम स्टेबलाइज करें, स्थिर कर दें। रसिया जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर है इन ए वैरायटी ऑफ एरियाज, कई सारे क्षेत्र में, ऐसा उनका कहना है। रसिया कंटिन्यू टू रिमेन द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टू इंडिया, बहुत बड़ा आर्म का सप्लायर है रसिया। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम फ्रांस इसराइल यूनाइटेड स्टेट एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, और उसको टक्कर दे रहे हैं कौन कौन, अमेरिका इसराइल फ्रांस और पश्चिम के देश। द स्पेसिफिक रिमार्क ऑन इकोनॉमिक टाइज विथ रसिया कैम आफ्टर कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी सॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ इंडिया वुड कंडक्ट बिजनेस विथ रसिया एज इट वॉज हिट बाई वेस्टर्न सेंक्शन। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि जब रसिया के ऊपर सेंक्शन लगाया जा रहा, आप भी के भी ऊपर यदि सेंक्शन लग जाएगा तो कैसे करके ट्रेड करोगे रसिया के साथ में, तो उसका जवाब दे रहे थे एस जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं कश्मीर से। कश्मीर को मिल गया है पहला वर्चुअल ई म्यूज़ियम, मतलब कि आपको अब म्यूज़ियम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे मोबाइल से, ठीक है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से उस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हो। द लाइफ टाइम डेडिकेशन ऑफ ए वुमन एजुकेशनलिस्ट इज बिगिनिंग टू बियर फ्रूट, ए रेयर वर्चुअल म्यूज़ियम इन सोपूर 40 किलोमीटर है श्रीनगर से विल शोकेस द लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ ए वुमन कश्मीरी एजुकेशनिस्ट हैं अतीका बानो, हु हैज़ क्रिएटेड ए ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ आर्टिफैक्ट थ्रू डोर टू डोर कलेक्शन। एक महिला हैं, इनके बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने डोर टू डोर जा जा कर के उनको कलेक्ट किया, ठीक है, उनका ये म्यूज़ियम बना है। सी डाइड एट द एज ऑफ 77 इन 2017 में इनकी मृत्यु हो गई, लीविंग बिहाइंड ए कलेक्शन दैट थ्रोस लाइट ऑन द लाइफ एंड कस्टम ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी रूरल कश्मीर, गाँव की संस्कृति को बताती हैं ये सारी चीज़ें, इन्होंने घर घर जाकर के वो सारी चीज़ों को कलेक्ट किया था, उन्हीं का म्यूज़ियम बनाया गया है।
द एलिफ फाउंडेशन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज हैज़ अप्रूव्ड ए ग्रांट फॉर ई म्यूजियम एज पार्ट ऑफ इट्स पोस्ट कोरोना रिहेबिलेशन प्रोग्राम। इसको सपोर्ट मिला है एलिफ फाउंडेशन की तरफ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, इसी ने उसको अप्रूवल दिया है। बताया जा रहा है वी आर होपफुल दैट आवर रिपोर्ट विल क्रिएट ए कम्प्रहेंसिव एंड इंटरेक्टिव वर्चुअल म्यूजियम ऑफ द आर्टिफैक्ट विच विल मेक बानोस कलेक्शन एक्सेसिबल टू द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो न केवल कश्मीर के लोग देख पाएंगे बल्कि दुनिया के और लोग भी ये जो कलेक्शन है इसको देख पाएंगे, वो भी ऑनलाइन। बताया जा रहा है उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही थी। तो बानो ने सर्व किया था वेरियस टीचिंग पोस्ट में पूरे सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में एंड डेडिकेटेड हर लाइफ टू कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, कलात्मक जो वस्तुएं रहती हैं जो कि हिस्ट्री को हमारी बताती हैं, फ्रॉम लोकल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वैली, पूरी जो घाटी है ना पूरे एरिया में ये घूमती रहीं और बहुत सारी जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उनको ये कलेक्ट करती रहीं। हाउएवर हर डेथ ड्यू टू कैंसर ऑलमोस्ट ब्रॉड द कर्टेन डाउन और हर ड्रीम प्रोजेक्ट। अब उनकी डेथ हो गई तो उनका काम जो है वहीं पर रुक गया। मीरास महल वेयर सी वांटेड टू सेट अप कश्मीर फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम इन हाईलैंड कॉलोनी एट सोपूर इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑन द लैंड डोनेटेड बाई हर, ठीक है, लैंड डोनेट किया गया था कि मैं यहाँ पर म्यूजियम स्थापित करूँगी। एम एस इकबाल एंड हर टीम मेनली वुमेन प्रोफेशनल हैव कम टुगेदर टू प्रिजर्व द आर्टिफैक्ट फ्रॉम द ओबिलियन। द टास्क इज डाउंटिंग टफ, और ये काम काफ़ी कठिन था कि हमें उनको कैसे करके सेव करके रखना। बानो ने कलेक्ट किया था लगभग 8000 कलात्मक वस्तुओं को रेंजिंग फ्रॉम किचन यूटेंसिल्स से लेकर के एग्रीकल्चर टूल तक इसमें शामिल है, क्लोथिंग, इसके अलावा अर्थन वेयर एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ एक वर्ड आया है यूटेंसिल जिसका मतलब होता है बर्तन, ठीक है, इसके अलावा अर्थन वेयर हैं, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से जो कुछ लिखी गई चीज़ें हैं ना हस्तलिखित, उनको भी इन्होंने कलेक्ट किया था। द कलेक्शन में इंक्लूड है डोनेशन फ्रॉम कश्मीरी पंडित फैमिलीज ऑफ ओल्ड स्टाइल अर्दन पूजा थालीज, जो कश्मीरी पंडित पहले रहते थे पूजा की थाली जो यूज़ करते थे वो भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा वुडन पैलेंक्विंस भी हैं ऑन विच आर सीटेड वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस, लकड़ी के कुछ पैलेंक्विंस भी मिले हैं जहाँ पर भगवान को रखा जाता था, ठीक है। ये जो वर्ड है पैलेंक्विंस इसका मतलब भी हम देख लेते हैं, ये जो पालकी टाइप की रहती है ना। इसके अलावा कई सारे टेराकोटा भी मिले हैं, टेराकोटा टेराकोटा और टेराकोटा, ठीक है, कुक्ड अर्थ फ्रॉम लैटिन टेराकोटा इन इट्स मटेरियल सेंस एज एन अर्थन वेयर सबस्ट्रेट इज ए क्ले बेस्ड अनग्लेज और ग्लेज सिरामिक हो सकते हैं वेयर द फायर बॉडी इज पोरस। जो फायर बॉडी है ना रंध्र वाली रहती है, मतलब कि जैसे मटके रहते हैं रंध्र रहते छोटे छोटे जहाँ से हवा अंदर जाती है और पानी को ठंडा करती है। टेराकोटा भी यहाँ पर मिले हैं, पकी हुई मिट्टी के बर्तन, आइटम्स फ्रॉम द 4th century कुषाण पीरियड, जब उस समय कुषाण का शासन हुआ करता था। कॉइन्स मिले हैं फ्रॉम प्री इस्लामिक एरा के, इसके अलावा फ्रॉम द टाइम ऑफ 10th century रूलर दिद्दा आल्सो नोन एज द कैथराइन ऑफ कश्मीर। आगे बताया जा रहा था द कलेक्शन आल्सो इंक्लूड आर्टिफैक्ट फ्रॉम द बुद्धिस्ट पीरियड विच आर लाइकली टू ओपन न्यू गेटवेज टू अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ कश्मीर। उस समय में बौद्ध धर्म का भी क्या वहाँ पर कुछ विकास हुआ था, ये चीज़ें भी यहाँ पर रहस्य उजागर करेंगे, ठीक है।